आज़ादी के अमृत महोत्सव पर रविंद्र सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में बच्चों की भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के तमाम आमंत्रित सदस्य के साथ साथ विद्यालय के सभी शिक्षक उपस्थित थे, जहां अभिभावक भी इस गोष्ठी में शिरकत किए थे। इस अवसर पर उपस्थित संयोजक संजय जालान, अध्यक्ष कैलाश नारायण, कोषाध्यक्ष राकेश कुमार पोद्दार, उपाध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद साव एवं उषा सिंह, सदस्य पुतुल देवी एवं लाजवंती देवी, उपस्थिति कुमुद रंजन झा, सौरभ झा, सुधांशु बैनर्जी, अजीत कुमार देवगन, धनंजय कुमार, मणि कुमार, भूपेश कुमार, रामपुकारी कुमारी, कुंदन बाला चौधरी, सुमन सिन्हा, अंजू कुमारी, परिणीति प्रीतम की उपस्थिति के साथ साथ तमाम अभिभावकों ने अपने बच्चों के बीच एक करिश्माई देखा कि राजा दशरथ के राज दरबार को सजाया गया है, जहां बच्चे उन्हें कोप श्राप मुक्त से विमुक्त होना चाहते हैं। राजा दशरथ अपनी कौशल्या के ख्वाहिश को पूरा करने के उपलक्ष्य में राजा रामचंद्र को वनवास जाने की वचन ले चुके हैं। जहां वो वनवास जाने की तैयारी में पहुंचे, इसे देख वहां के लोग अचंभित हो गए। राजा रामचंद्र और जनक जननी सीता को लेकर वो वनवास को तैयारी में हैं। वहीं राजा दशरथ विलाप करते हैं, विलाप करते करते वो कह गुजरते हैं कि ये हठ को छोड़ो बालक, मैं तुम्हारे वचन को वापस लेता हूँ। लेकिन राजा रामचंद्र ने इस वचन को वापस लेने से मुकर गए तथा पिता का आज्ञा शिरोधार्य करते हुए वो अपने आप में जंगल की ओर प्रस्थान कर गए, जहाँ उन्होंने तरह तरह की यातनाएँ झेली। सभी यातनाओं को झेलते हुए उन्होंने कठिन तपस्या किया, जहाँ पत्नी को भी खोना पड़ा, जहाँ से कुछ लोग ने उनके पत्नी को रावण जैसे महाप्रभु नील गए, ये दर्शाया गया था। अभिभावक देखकर मंत्रमुग्ध रहे। गुप्त न्यूज के लिए बरियारपुर से नरेश आनंद की रिपोर्ट।